ज्यादा हो गया। चलो उतने पर फोकस, उतने उतने दूर पढ़ाएंगे। वॉइस चेक करना तुम लोग, दूसरी ओर भाग सही है। ये भी लगा लो क्या डबल? क्लियर आ रहा स्टडी विद सुबोध में आप सभी का स्वागत है। आज फ्रैक्शन और डेसिमल चैप्टर के अंतर्गत सिंप्लीफिकेशन नाम का छोटा सा टॉपिक है, उसको फिनिश करते हैं। और सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत बॉडमास का एक छोटा सा टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे आज हमारा पूरा फोकस रहेगा, बॉडमास पर। बॉडमास को कभी कभी हम लोग वी बॉडमास भी बोलते हैं, वी बॉडमास भी बोलते हैं। तो बॉडमास के रूल क्वेश्चन लगाते हैं, नियम समझते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है जो ज़्यादा परेशान करते हैं बॉडमास नियम पर। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल ही बनता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़्यादा परेशान कर देते हैं, उन क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग। पहली बात है कि बॉडमास देखते हैं होता क्या। तो बॉडमास हम लोग छोटे क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसमें से बॉडमास से बी का जो मतलब है वो है ब्रैकेट, यानी कि हिंदी में क्वेश्चन, ऑफ हो गया, का डिवाइड, ज्यादा कुछ लिखते नहीं है, ऐसे ही मल्टीप्लाई साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो गया ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ब्रैकेट के अंतर्गत देखना जरा, ये बाहर तो नहीं हो रहा, कोष्ठक के अंतर्गत जो है, ब्रैकेट के अंतर्गत आ रहा है यहाँ पर, कोष्ठक के अंतर्गत यानी ब्रैकेट के अंतर्गत हम लोग जो है तीन चार टाइप के ब्रैकेट पढ़ते हैं। एक तो हाँ बड़ा ब्रैकेट मान लो, पहले बड़ा ब्रैकेट हम लोग, फिर ये छोटा मंझला ब्रैकेट हो गया, फिर छोटा ब्रैकेट हो गया, और ये लाइन ब्रैकेट है। लाइन ब्रैकेट को वेंकुलम भी बोलते हैं, वी फॉर वेंकुलम। हम लोग ऐसा करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं इधर से, है ना, तो क्रम उसमें भी ब्रैकेट में भी क्रम होता है, तो वो भी यहाँ पर दिखाने में आसानी होगी। हाँ पहले जो है, पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, लाइन ब्रैकेट, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, और ये फिर क्या हो गया, बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। इनके इंग्लिश में जो नाम है, इस ब्रैकेट का बिग ब्रैकेट नाम है, और स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट अगर बोल दिया गया, समझ लो इसी बात हो रही है, स्क्वायर ब्रैकेट बोल दिया इसी बात हो रही है। इस ब्रैकेट का नाम है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार, कर्ली ब्रैकेट। इसको कहीं कहीं पर फ्लावर ब्रैकेट भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पर ब्रेसेस भी बोलते हैं, ब्रेसेस, ठीक है, ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट, इस तरह नाम है। ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया, ये लाइन ब्रैकेट हो गया। लाइन ब्रैकेट को ही वेंकुलम बोलते हैं, वेंकुलम मतलब हो गया वी। तो कभी कभी जो वी आगे लगा होता है, तो वी फॉर वेंकुलम, और वेंकुलम का अर्थ ये हो गया कि लाइन ब्रैकेट पहले, यानी ब्रैकेट से हट करके इसको लोग समझ लिए अलग से, यानी ब्रैकेट में तीन ब्रैकेट मान लिए
और लाइन ब्रैकेट को एक अलग नाम दे दिया, वेंकुलम, यानी कि उसको अलग से हमें सॉल्व करना है। समझ आ रहा? तो जो सॉल्व करने का क्रम होगा वो होगा इस तरह से, यानी पहले कोष्ठक हल करेंगे, फिर का डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये हमारे सॉल्व करने का क्रम होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो फिर ब्रैकेट में भी अगर दो तीन ब्रैकेट एक साथ आ गया तब फिर पहले कौन सा सॉल्व होगा, तो उसके लिए क्रम ये है, उसके लिए क्रम ये है, यानी पहले लाइन ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उन्होंने क्या बनाया था, जैसे होता क्या सामान्य रूप से, ऐसे ब्रैकेट लगा होगा, फिर अंदर ये बना होगा, फिर अंदर ये बना है, ऐसे बना हुआ है, होता है, यानी स्मॉल ब्रैकेट जो होगा वो इसके अंदर होगा और ये इसके अंदर होगा। ठीक है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर ये वाला ब्रैकेट, ऐसे होता है। लेकिन एक जगह देखा था मैंने क्वेश्चन में, ऐसे बना था। अगर मान लो आप ही को क्वेश्चन मिल जाए, इस तरह सॉल्व करने के लिए, ठीक है, देखिए थ्री और अंदर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है और बड़े ब्रैकेट के अंदर चार माइनस तीन लिखा है। अब आप तो पढ़ के आए हैं कि छोटा ब्रैकेट पहले हल होगा, छोटा है सबसे बाहर, छोटा बाहर है, तो ये जो रूल है छोटा ब्रैकेट पहले हल होगा, ये रूल एकदम 100% सही नहीं है। सही क्या है, अंदर का ब्रैकेट पहले हल होगा। सही रूल क्या है, अंदर का ब्रैकेट पहले हल होगा, अंदर चाहे बड़ा ब्रैकेट ही क्यों ना। अब हम बड़ा ब्रैकेट के लिए क्या कोई केस दायर थोड़ा करेंगे कि बड़ा ब्रैकेट कैसे आ गया, छोटा अंदर आना चाहिए, करने वाले ने लिख दिया, लिखने वाले ने लिख दिया, बस समझ रहा। तो रूल क्या हो गया, सबसे अंदर का ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर क्रमशः धीरे धीरे करके बाहर की तरफ हम लोग आते रहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हो गया कुछ मोटी मोटी बातें। उस क्रम में एक क्वेश्चन यहाँ पर है, और क्वेश्चन जो है वो है बहुत आसान परंतु उलझाऊ क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है, छोटा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और इसका सही से उत्तर क्या आ जाएगा, उसमें कहाँ है, छत्तीस आएगा ये, उसमें लिखो क्या नाम है, लिख दिया। अच्छा, चमक रहा है क्या, बोर्ड चमक रहा है। कुछ कैमरे ही ब्लॉक कर दे रहे हैं, चार्ट हुआ है, कोई ना कोई चमका ही रहा होगा। हाँ, एक ही चल रहा है, इसमें चार चार में से तीन तो ब्लॉक कर दिए हैं। एक तो कोई चमका रहा होगा इसमें। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका आंसर आएगा 36। मैटर यहाँ फंस रहा है, मैटर यहाँ फंस रहा है, 12 है, देखो ध्यान से, दो, ठीक है, ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लिया, 5 6। अगला स्टेप जो होगा वो ये होगा, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा, और छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उलझाऊ क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में नहीं आएगा लेकिन कोई पूछ लेगा आपसे। ठीक है, बस जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन हो, यही कन्फ्यूजन यही होना है, बस यही होना है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होना है। मल्टीप्लाई का साइन होता है, जहां पर कोई साइन नहीं होता है वहां पर मल्टीप्लाई साइन। ठीक है, तो दिमाग में सेट कर लो, मल्टीप्लाई का साइन ही आना है और इसके बाद इस क्रम का पालन किया जाएगा। ठीक है, 2 6 12 ये पहले से आज करें, इसके बाद ऊपर दिखाएंगे, लेकिन दौड़ के पीछे काम करें।
कुछ नहीं कहते ये बात। नहीं नहीं, बच्चे कंफ्यूज यहीं पर होते हैं कि जो ब्रिज में बीच में साइन नहीं लगा हुआ है वहाँ पर का साइन लगा दें कि गुड़ा का साइन लगा दें, ठीक है, और या फिर सोचते हैं कि हम ब्रैकेट ही लगा हुआ है तो कुछ नहीं तो गुड़ा हल कर देंगे, गुड़ा सॉल्व कर देंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा, वो आ जाएगा ब्रैकेट में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप साफ साफ यहाँ पर गुड़े का चिन्ह लगाइए, ठीक है। कोई कष्ट परेशानी, मोबाइल कैलकुलेटर जरा आप दो हमको, कोई मोबाइल का कैलकुलेटर दो जो एडवांस कैलकुलेटर हो जिसमें ब्रैकेट लगाने की सुविधा हो। आईफोन में दिया होगा ब्रैकेट, एक मिनट देखते हैं इसमें ब्रैकेट है कि नहीं है। साइंटिफिक वाले में होगा, इसमें नॉर्मल वाले में नहीं है। लो देखो, तुम लोग को तसल्ली के लिए कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट है इसमें, दो क्वेश्चन ये 12 है, ठीक है, तो इसमें आप टाइप कर दीजिए 12, ठीक है, 12 हो गया, डिवाइडेड बाई, डिवाइड का साइन इधर किनारे मिल गया, ठीक है, दो लगा हुआ है, दो लगा दो और फिर ब्रैकेट और 1 प्लस 5 और ब्रैकेट क्लोज, ये क्वेश्चन हो गया, देख रहे हो, 12 डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस 5, कितना आंसर आया? छत्तीस आ रहा है ना। हाँ, तो ये चीज़ आप आज से दिमाग में सेट कर लो, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें आपको आराम से ये सोल्यूशन इसका मिल जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें सही हैं उनके लिए दिमाग में कोई ना कोई सही तर्क बनाना ज़रूरी है, और तर्क सही कर लोगे फिर कभी गलती नहीं होगा। ये गलती सामान्य गलती बहुत लोग करते हैं, तभी तो लिखा है 99% फेल। क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है ना कि जनरली लोग ऑफ ऑफ मल्टीप्लाई और ब्रैकेट तीनों में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन उसमें हमने डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन दिया, इसको नोट कर लो, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिया है, फटाफट लगा डालो। जरा लाइव हो जाए इसी से, वॉइस सही आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा ना, बाद में देखा जाएगा। चलो एकदम फिट है, इसको वापस करना है, लेकिन यही दिक्कत है इसमें काम नहीं कर रहा आईफोन में। क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में? एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन जो बोर्ड पे था मजेदार था कि नहीं था ये बताओ। yes, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है मजेदार है।
बहुत सारे बच्चे आए नहीं हैं आज, ये नहीं कि चलो ऑनलाइन ही पढ़ लें, इतने बेवकूफ़ हैं सब। ऑनलाइन ही पढ़ लेते कम से कम, जो है सो रहे होंगे। टू पॉइंट का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, वो टू पर ही खत्म है वो। एट डिवाइडेड बाई फोर मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन क्या है? एट नहीं, फोर के बाद ब्रैकेट लगा है, इनटू सिक्स प्लस टू ऑफ फोर। हाँ प्लस 32 माइनस दो, पूरे में पहला काम हम लोग करते हैं ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करते समय अंदर भी बॉडमॉस रूल का पालन किया जाएगा, ठीक है। तो अंदर सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ऑफ। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ऑफ, ठीक है। आप यहाँ पर चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर के बाद इसी का नंबर आना है, और इसके सॉल्व करने पर, इसके सॉल्व करने पर दोनों के ऊपर कोई अपना आसपास में असर आने वाला नहीं है। कर सकते हैं, लेकिन हम एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं आपके सुविधा के लिए। एक ये हो गया, और ये सिक्स, और ये चार दुना, ठीक है। एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आप यहाँ पर चार दुना आठ कर लीजिए, टू मल्टीप्लाई आठ छः चौदह हो गया, और फिर 32 माइनस दो और 14 दुना 28 प्लस 32 माइनस दो 28 32 60 हो गया, और 60 में दो जाएगा। क्लियर आंसर आया सबका? कोई आंसर दिक्कत कर रहा हो या फिर लगाने में दिक्कत हो रहा हो बताओ, क्वेश्चन बता दिया जाए। एक क्वेश्चन जो, हाँ एक क्वेश्चन थंबनेल पे पड़ा होगा, ठीक है, इसको लगा लो पहले, तीन चार क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद थंबनेल क्वेश्चन लगा लो। थर्टी टू प्लस में है ना यहाँ पर, कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है कोई बताओ? मल्टी अंदर ऑफ लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई ही होगा, अगर गुणा के निशान है तभी मल्टीप्लाई होगा, तभी प्लस से पहले ही आएगा। हाँ, लेकिन हम ऑफ वाला जो गुणा है वो पहले करेंगे, जो गुणे के चिन्ह वाले गुणे से ऑफ वाला गुणा पहले आएगा। कॉलर माइक बढ़िया है, ये फ्रीडम नहीं, हालांकि इस माइक की अपनी क्लियरिटी अलग होती है, जो लेके चला हूँ ये भी बाद में सुनेंगे क्या क्लियर आ रहा है कितना आ रहा है।
अगला क्वेश्चन जो जो कहीं दिक्कत कर रहा हो तो तुम हमको बता दो, तो हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पर बोर्ड पर। एक क्वेश्चन पढ़ो जरा, कोई क्वेश्चन पढ़ दो। 45 है या 0.34? थर्ड क्वेश्चन में 0.34 है ना? जीरो पॉइंट थ्री फोर हो गया, डिवाइडेड है 17, 1.7 है, 1.7 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 2, यही है क्वेश्चन। लो नियम, बस रूल को एकदम पकड़ के रखना है, नियम को नहीं तोड़ना है। बस जहाँ रूल पकड़ के रखोगे तो क्वेश्चन कोई आए, दशमलव आए, भिन्न में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये हो जाएगा, और 0.34 इसको आप, हाँ पहले डिवाइड कर दीजिए, सही है, इसको डिवाइड कर दीजिए 1.7 से। तो 0.7 से जब डिवाइड करेंगे तो दोनों पक्ष में डेसिमल समान कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए या फिर अगले स्टेप में कर दो, ठीक है। ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.2 प्लस 34 पच्चे 170, फिर 1/5 को लिख दिया 0.2, ठीक है, और प्लस टाइम। अभी कंफ्यूज तुम लोग हो रहे हो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं, और जानते हो परेशानी कहाँ हो रहा होगा, परेशानी वहाँ हो रहा होगा जहाँ पर तुम लोग शॉर्टकट मारने चक्कर पड़ जाते हो। जैसे बॉडमास रोल में शॉर्टकट मारा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना कमांड होना चाहिए कि किसी के डिवाइड करने से हमको लग रहा है कि अगर फर्क नहीं पड़ने, ब्रैकेट में फर्क नहीं पड़ने वाला है तो मार सकते शॉर्टकट। बॉडमास नियम है, पुराने किताबों में यही कहा, जो कविता लिख के आता था, काको पहले काटिए फिर पीछे दो भाग, हम लोग पढ़े थे इसी, काको पहले काटिए फिर पीछे दो भाग, गुड़ा करो धन जोड़ के, ऋण को दे घटा, ऋण को दे घटा। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, तो जरा पढ़ दो ज्यादा अच्छा, ये हाँ प्लस 90 भागे 3 गुणे 6 1/2 ये चमक रहा होगा ना, आ रहा। अच्छा क्वेश्चन देखिए, लगाना शुरू करते हैं। नियम वही नियम है बिल्कुल, उसको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है हमें। हमने देख लिया कि बहुत सारे ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाएगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का हिस्सा है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जब ब्रैकेट सॉल्व करने गए तो उसके अंदर भी ढेर सारा पड़ा हुआ है, तो जब ढेर सारा अंदर सॉल्व पड़ा हुआ है तो उसके अंदर बॉडमास का नियम लगेगा, पहले बॉडमास का नियम यहाँ पर लगेगा, ठीक है, अंदर ब्रैकेट के अंदर। तो बॉडमास का नियम लगाने के लिए क्या है, बी तो है नहीं अंदर, ब्रैकेट कोई है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई एड और ये पहले होगा, पहले डिवाइड करेंगे, पहला काम ये होगा, ठीक है, हाँ
जो ब्रैकेट के बाहर मटेरियल है उसको चाहे तो आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये है ना, इधर सॉल्व कर लेके अभी मत करिए, ये ब्रैकेट जुड़ा हुआ है, ब्रैकेट जुड़ा हुआ है इसलिए मत करिए, 30 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से शांतिपूर्वक सॉल्व करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा स्टेप, 6 × 18 180 हो जाएगा, 45 + 100 180 यहीं पर लिख दें क्या? चलो एक दो स्टेप कम हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ यहीं पर लिख दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 180 और ये 45 जुड़ जाएगा है, तो कितना हो गया 225 ब्रैकेट के अंदर आ गया, 225 और फिर गुड़े 2। अब फिर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये भी ब्रैकेट टूट जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर गुड़ा कर सकते हो, चाहे गुड़ा लेके चल सकते हो साथ में, ठीक है, तो दो दो कट जाएगा, कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2×2 = 4, 450 ठीक है ना, यह हो जाएगा 450, ये उलट जाएगा, हाँ 450 गुणे 2 और फिर लास्ट में 56, ये थोड़ा सा बड़ा गुणा हो जाएगा, 50 × 400 एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पांचवा भी लगा दे रहे हैं। एक दिमाग में क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, तो मैं दे रहा हूँ आप क्वेश्चन लिखे, मिटा दूँ इसमें, कोई दिक्कत है? ये मिटा रहा हूँ भाई, फिर से समझा दूँ, फिर से देख लो भाई, तो मिटा दी ऊपर लाइन, चलो यहाँ पर देख लो, 30 × 6 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर देखो ये इन दोनों गुणा हो गया, पहले 450 हो गया, भागे 1/2 है, तो 1/2 जब भाग करोगे तो गुणा गुणे में जब साइन में चेंज करेंगे तो ये उलट जाएगा, भिन्न का भाग कैसा होता है, फ्रैक्शन का भाग में क्या होता है, जो जो दाहिने तरफ की भिन्न होती है उलट जाती है और उलट के गुणा कर देते हैं, ये 1/2 2/1 हो गया और गुणा हो गया, ठीक है। अभी लगा रहे हैं, अभी क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, एक बैंकिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, 25 आंसर चैट बॉक्स में आंसर लिखो, दुनिया चारा देखे आंसर कितना आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए
आप अपने भाग के नियम को, भाग के नियम को 100% फॉलो करिएगा। देखिए नियम, नियम सब कुछ बताया जा चुका रहता है, आपको सब नियम पता भी रहता है, लेकिन जानने के बाद भी आप एग्जामिनेशन में तमाम नियमों को तोड़ते हैं शॉर्टकट के चक्कर में, या मूड में आ गया कि यही ऐसे होना चाहिए, तो आप नियम को फॉलो नहीं करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नियम क्या है, अगर इससे ढेर सारा आ गया है और आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप लिखेंगे फिर, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आया था सही। हाँ, 1/25 तो उत्तर सही है, और क्या, वो तो भाग देने के ऊपर है। भाग देते समय दाहिने तरफ का जो नंबर है वो उलट जाता है, और उलट के घोड़े के चिन्ह लग जाता है, ये इसी नियम को फॉलो किया गया। नहीं तो इसी, यही सब तो गलत हो जा रहा है, गलत यही सब तो हो जा रहा है। वो सब तभी हो सकता है जब ब्रैकेट लगा हो, प्रॉपर तरीके से ऐसा लिखा गया हो, ब्रैकेट वगैरह लगा नहीं है। बॉडमास का नियम तो अपने आप में काफ़ी हल्का टॉपिक ही है, लेकिन उसके अंदर भी जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हीं को लिएंगे हम लोग, पढ़ेंगे ना। जो घटाना गुड़ा भाग एक साथ आ गया तो कौन सा पहले करें तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसमें भी अच्छे क्वेश्चन जो है उनको लिया जाएगा, उन्हीं को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्लस ये क्वेश्चन है। अच्छा कोई बात नहीं है, हम नियम का पालन करेंगे, कटेगा नहीं कटेगा वो बात की बात है। ठीक है, तो 3-4 प्रकार के चिन्ह लगे हुए हैं, सबसे पहले कौन सा डिवाइड हो जाएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए, और यहाँ पर 4/5 और 5/5 इतना करते भर में आप तीनों के एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो डिवाइड तो सॉल्व हो ही रहा है लेकिन उसके बाद इसी का नंबर है, तो इसलिए तीनों एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। जो कट सकता है काट लिया जाएगा, 5 तो कट ही रहा है, 4 कट रहा है, 3 बना तो 2/5 और प्लस 1/2 हो गया, 2 × 4 = 9/10। ठीक है, सही है, चमक रहा है, थोड़ा सा यही समस्या आ रही है। 5 अगला क्वेश्चन कौन सा है, कोई बोल दो जरा सा। 45 हाँ 29 34 79 82 है छोटा कोष्टक है ये। सबसे पहला काम दो भाग पहले कर दो, उस 16 से वो भी तो भाग ही है, नहीं आया।
ये हो जाएगा बटन का, बटन का कितना कट जाएगा कुछ यस सर भाग तो है वहां पर 82 82/16 जो है आप ऐसे लिखिए बाद में देखा जाएगा क्या किससे कट रहा है दो से गाली कट रहा है और फिर गुड़े में माइनस 3 आ जाएगा आपको इतना जो है पहले सॉल्व करना ही पड़ेगा तब 45 जुड़ेगा है कि नहीं हाँ माइनस से माइनस आगे कर देना यहाँ कर देना ठीक है और कुछ कट पिट तो रहा नहीं है तो सबको मल्टीप्लाई करके 8 करना पड़ेगा वही रास्ता है और कुछ रास्ता यहाँ पे दिख नहीं रहा या तो 3 को ऐसा करो 3 को 8 बना दिया जाए क्या बहुत सही बन जाएगा चलो कोई बात नहीं सॉल्व कर लो कोई मल्टीप्लाई करो इसको 17 41 3 को मल्टीप्लाई कर लो जो क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन वगैरह में आएगा तो वहाँ पर ऐसा होता है कि कट जाता है ठीक है अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो बटे में भी रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या है 45 8 कितना हो जाएगा 360 माइनस 2091 घटा लो जरा माइनस में ठीक है अब एक काम करो फटाफट जरा थंबनेल का क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो थंबनेल का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है लास्ट वाला क्या है सॉल्व कर लेना फटाफट उसी तरह क्वेश्चन है ना जो पहला क्वेश्चन दिया था उसी टाइप होगा है ना अच्छा ये वाला है हाँ सॉल्व कर लेना इसको सॉल्व करके आंसर दे देना हम बाद में चेक करके बता देंगे थंबनेल वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जरा कभी कभी चमक नहीं रहा कभी कभी चमकता है पहला जो थंबनेल क्वेश्चन है चलो अच्छा लास्ट वाला भी हम लगा दे रहे हैं और थंबनेल वाला क्वेश्चन जो है ऑफलाइन कर दो जरा कोई ऑफलाइन कर दो